हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्रेजी करने वाले हैं। मैंने प्लान किया है कि इस वीडियो में हम लोग एक डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। उस डेटा सेट की खासियत ये है कि उसमें 3 करोड़ रोज है। सही सुना आपने, 3 करोड़। दैट इज वे टू मच, बहुत बड़ा डेटा सेट है। और इस डेटा सेट के ऊपर हम लोग रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, और वो भी आपके लैपटॉप पे। हम कोई क्लाउड सर्विस यूज नहीं करेंगे, हम हमारे लैपटॉप को यूज करके इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होगा कि आपका रैम में वो पूरा डेटा सेट आ भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग। और इस पूरी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसका नाम है वैक्स। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो डेटा सेट है ये बहुत रियल वर्ल्ड डेटा सेट नहीं है, ये एक ऐसा डेटा सेट है जो मैंने खुद से बनाया है। बट अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो कल को अगर आपको 10 GB, 12 GB, 100 GB का भी अगर डेटा सेट दिया जाए, आप उसके ऊपर अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर सकते हो। सो दिस वीडियो विल एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे दैट इज आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग। एंड ऑल्सो बाय द वे, मैंने आउट ऑफ कोर मशीन लर्निंग के ऊपर एक वीडियो शूट कर रखा है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ा और सीखना है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। और अब इस वीडियो में विल डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट। मैं आपको सबसे पहले डेटा सेट दिखाता हूँ और फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको कोड लिख करके दिखाऊंगा कि आप उस डेटा सेट के ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, दिस इज द डेटा सेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका नाम है large_data_set.csv। एंड यू कैन सी ये ऑलमोस्ट 3 GB का डेटा सेट है। ठीक है, तो हम इसी डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। मैंने एक जुपिटर नोटबुक बना लिया है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ पैंडाज यूज़ करके। ऑल दो पैंडाज आप पूरी तरीके से यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्लो चलेगा पैंडाज, बट हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, ये बस दिखाने के लिए है, इसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। रीड CSV, और यहाँ पे आप उस डेटा सेट का नाम डाल सकते हो। एंड यू वुड सी कि ऑलमोस्ट 10 से 15 सेकेंड्स लग रहे हैं सिर्फ इस फाइल को इम्पोर्ट करके जुपिटर में लाने के लिए। सो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि फाइल कितनी बड़ी है। मीनवाइल मैं आगे का कोड लिख देता हूँ और इसको भी रन कर देते हैं। एंड यू कैन सी अगर आप इसको पढ़ो देखो तो यहाँ पे 3 करोड़ रोज हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा डेटा सेट है। मैं आपको एटलीस्ट हेड दिखा सकता हूँ। ये एक डमी टॉय डेटा सेट है जहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट कॉलम्स है और एक आपका टारगेट कॉलम है, और ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके आगे का काम मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप करोगे तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन एक्चुअली शो यू, अगर आप सिर्फ डिस्क्राइब फंक्शन को भी कॉल करो तो यू वुड सी कि बहुत टाइम लगेगा वो मैथमेटिकल समरी भी कैलकुलेट करने में, क्योंकि एंड यू कैन सी इट टुक अराउंड 10-15 सेकेंड्स अगेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस डेटा सेट को वैक्स लाइब्रेरी के थ्रू यूज करना है और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वैक्स जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे बाय राइटिंग पिप इंस्टॉल वैक्स। और मेरे मशीन पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे दिखाई देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। आपके केस में इंस्टॉल होने लग जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद वैक्स को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, और वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको अपने CSV फाइल को, ये जो आपका फाइल है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक दूसरे फाइल फॉर्मेट में जिसको हम बोलते हैं HDF5 फाइल फॉर्मेट। ठीक है, क्यों करना है उस फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट, क्योंकि वो जो फाइल फॉर्मेट है वो हायरार्कल होता है, मतलब डेटा को बहुत एफिशिएंटली वहां पे स्टोर किया जाता है तो सर्चिंग बहुत इजी हो जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी दूं तो वो फाइल फॉर्मेट ज्यादा फास्टर है, उसके ऊपर काम करना ज्यादा फास्टर है। तो नटशेल में आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आप इतने बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसको HDF5 में कन्वर्ट कर देना चाहिए।
ठीक है, उससे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते सीएसवी के ऊपर काम, बट HDF5 में कन्वर्ट करना बहुत फायदेमंद है। ठीक है, करना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले पैंडास डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है इनटू रैक्स डेटा फ्रेम, और उसके लिए आप रैक्स लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है फ्रॉम पैंडास बोल के, आप उसको कॉल करोगे और यहाँ पे आप पास कर दोगे DF, मतलब आपका पैंडास डेटा फ्रेम, और ये आपका रैक्स डेटा फ्रेम है। यू कैन सी इसका ऑब्जेक्ट का नाम है डेटा फ्रेम लोकल। ठीक है, ये डेटा फ्रेम का वेरिएशन है। अब आपको बस एक लाइन का कोड लिखना है, और वो ये है कि आपको लिखना है वैक्स डीएफ डॉट एक्सपोर्ट HDF5 बोल के एक फंक्शन है, और यहाँ पे आपको बस फाइल का नाम बता देना है। इस फाइल का हम नाम रख रहे हैं लार्ज डेटा डॉट HDF5। ठीक है, और दैट्स इट। थोड़ा टाइम लगेगा, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये फाइल फॉर्मेट है, और ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यू कैन सी ऑलरेडी आधे से भी कम हो गया, तो दैट इज वाई यू कन्वर्टेड इनटू HDF5। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम बहुत ईजी हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वैक्स DF इज इक्वल टू वैक्स डॉट ओपन बोल के एक फंक्शन होता है, जैसे रीड CSV होता है वैसे ही ओपन एक फंक्शन होता है। यहाँ पे आप HDF5 को इम्पोर्ट कर लोगे, और यू कैन ऑलरेडी सी कितना फास्ट हो रहा है सब कुछ। आप वैक्स DF डॉट हेड करोगे, आपको टॉप 5 रोज मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्चुअली टॉप 10 रोज मिलते हैं। एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा वैक्स लाइब्रेरी के बारे में। ये पूरी चीज इतनी फास्ट इसलिए है क्योंकि वैक्स क्या कर रहा है कि वो HDF5 फॉर्मेट में जा करके डेटा का मेटा डेटा रीड कर रहा है, मतलब डेटा किस तरीके से मेमोरी में स्टोर्ड है वो रीड कर रहा है, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, जैसे अभी आपने हेड मांगा मतलब टॉप 10 रोज मांगे, तो सिर्फ टॉप 10 रोज को लेके आ रहा है। वेरास पैंडास क्या करता है कि अगर आप उससे मतलब वो जब लाइब्रेरी जैसे आप रीड अंडरस्कोर CSV जब करते हो तो वो ऑलरेडी सारे के सारे फाइल को रैम में उठा के ले आता है। यहाँ पर जब आपने ओपन किया तो इसने सारी फाइल को उठा करके रैम में नहीं डाला, इसने क्या किया मेटा डेटा रीड किया कि पूरी फाइल किस तरीके से ऑर्गेनाइज है मेमोरी में, और फिर जरूरत पड़ने पे जो काम की चीजें बस उसको लोड कर रहा है। एंड दैट इज वाई दिस लाइब्रेरी इज सो फास्ट। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्री प्रोसेसिंग वगैरह मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारा मेन मोटो इस वीडियो का ये नहीं है कि हमें एक बहुत अच्छा मॉडल चाहिए। मुझे बस आपको दिखाना है कि इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर आप मॉडल कैसे चला सकते हो। तो उसके लिए आपको आपके पास डेटा ऑलरेडी है और ये ऑलरेडी स्केल डेटा है, तो मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है डेटा को। उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं, मैं लिख के बताता हूँ आपको। वैक्स DF डॉट आपका ML बोल के एक सब लाइब्रेरी है, उसमें आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है, और वहां पे आपको बस बता देना है कि आपका टेस्ट साइज कितना रहेगा। मैंने बता दिया कि 0.2 रहेगा, 80% डेटा ट्रेन में जाएगा, 20% टेस्ट में जाएगा, और इसका नाम रख सकते हो आप DF ट्रेन, और इसका नाम रख सकते हो आप DF टेस्ट। और यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, बोल रहा है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के पहले शफल कर दो। यहाँ पे शायद इंटरनली शफल होता नहीं है। शफल करने के लिए भी आपके पास एक फंक्शन होता है और उसका नाम है शफल, और शफल करके आप वापस, इनके परमानेंट ऑपरेशन नहीं है, इसको हम वापस यहाँ पर ही स्टोर कर देंगे। और अभी भी ये वार्निंग क्यों आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी हम बहुत बढ़िया मॉडल बनाने का भी सोच नहीं रहे हैं। सो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया है। सो अगर मैं DF ट्रेन का बात करूं और इसका शेप निकालूं, तो 2 करोड़ 40 लाख रोज यहां पर आए हैं, और DF टेस्ट का अगर मैं बात करूं तो बाकी के 60 लाख रोज यहां पर आए हैं। ठीक है, सो एक चीज आपको और अभी दिख रही होगी कि वैक्स जो लाइब्रेरी है वो बहुत पैंडास के API से इंस्पायर्ड है,
और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो चाहते थे कि पैंडास के यूजर्स बहुत जल्दी इस लाइब्रेरी को पकड़े, तो आई थिंक उन्होंने अच्छा काम किया है। अब हमें क्या करना है, हमें मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। मॉडल ट्रेन करने के लिए हमें इंक्रीमेंटल लर्निंग यूज करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम सबसे पहले वैक्स के अंदर से, एमएल मॉड्यूल के अंदर से साइकिट लर्न क्लास को इंपोर्ट करेंगे। साइकिट लर्न एक्चुअली पैकेज है, उसके अंदर से हम लोग को इंक्रीमेंटल प्रेडिक्टर को इंपोर्ट करना है। यही वो काइंड ऑफ क्लास है जिसको यूज करके आप इंक्रीमेंटल लर्निंग इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। और आपको बस एक साइकिट लर्न का एल्गोरिदम चाहिए जो इंक्रीमेंटल लर्निंग सपोर्ट करे। हमारे केस में हम एसजीडी रिग्रेसर यूज करेंगे, लीनियर मॉडल मॉड्यूल से कीरा एसजीडी रिग्रेसर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बता देना है कि आपके इनपुट कॉलम्स कौन से हैं। सो आप एक वेरिएबल बनाओगे फीचर्स बोल के, और यहाँ पे लिस्ट में आप बता सकते हो हमारे कॉलम्स का नाम है F1, F2, F3 एंड F4। ये हमारे इनपुट कॉलम्स हैं, और हमारा जो टारगेट है उसका नाम है टारगेट। यहाँ पर आपको शायद दिख भी रहा होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एसजीडी रिग्रेसर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और अब सबसे मेन, हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है वैक्स मॉडल बोल के, जो इंक्रीमेंटल प्रिडिक्टर का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले फीचर्स क्या हैं, फीचर्स हमारे फीचर्स हैं। टारगेट क्या है, टारगेट हमारा टारगेट है। और उसके बाद हमें बताना है कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। मॉडल हमारा अगेन मॉडल है। और इसके बाद अब हमें बताना है कि हमारा बैच साइज कितना होगा। सो बैच साइज मतलब एक बार में आप कितने रोज दोगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो हमारा बैच साइज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 लाख कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास टोटल 2 करोड़ 60 लाख हैं, तो एक बार में हम 5 लाख रोज को ट्रेन करेंगे, ठीक है। और अब बस लास्ट स्टेप है मॉडल को ट्रेन करना। हम लिखेंगे वैक्स मॉडल डॉट फिट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारा डीएफ, और हमारा डीएफ है डीएफ ट्रेन। और यहाँ पे हम एक प्रोग्रेस विजेट होता है, हम उसको टर्न ऑन कर सकते हैं सो दैट हमें ट्रेनिंग का प्रोग्रेस दिखाई दे। और इस कोड को हम रन कर देंगे, एंड यू कैन सी हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, और बहुत ही कम टाइम लेगा, मतलब रफली 10 to 15 seconds टोटल लेगा। यहाँ पे तो 6 seconds ही बोल रहा है, विच इज क्वाइट फास्ट। मतलब इमेजिन आप 6 2.5 करोड़ रोज के ऊपर काम कर रहे हो, एंड इट इज जस्ट टेकिंग 6.87। दिस इज लाइक प्रिटी फास्ट, ठीक है। अब हमें बस प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन करना बहुत ईजी है, आप फिर से अपने मॉडल को बुलाओगे, विच इज वैक्स मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है, जैसे वहां पे प्रिडिक्ट होता था साइकिट लर्न में। और यहाँ पे आप पास कर दोगे अपना टेस्ट वाला डेटा फ्रेम, ये ठीक है। और ये आपको पलट करके एक नया डेटा फ्रेम देगा, जहाँ पे आपका टेस्ट वाला डेटा फ्रेम पूरा है, और उसके आगे आपका एक अलग कॉलम ऐड हो जाता है प्रिडिक्शन बोल के, ठीक है। इसको हम वापस स्टोर कर रहे हैं डीएफ टेस्ट में। अब हमें जो लास्ट काम करना है वो है इस पूरे मॉडल का आर टू स्कोर कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम जाएंगे, बाय द वे यहाँ पे मैं df.dftest.head कर रहा हूँ, जस्ट टू रिमेम्बर क्या क्या कॉलम के नाम है। यहाँ पे आई वुड राइट फ्रॉम sklearn.matrix import। दो मैट्रिक्स हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, पहला है आर टू स्कोर और दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ आर टू स्कोर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ df टेस्ट का टारगेट डॉट वैल्यूज, और df टेस्ट का प्रिडिक्शन डॉट वैल्यूज, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे भी अंदर में मैं सेम चीज पास कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। और ये रहा हमारा आउटपुट, 0.59 हमारा आर टू स्कोर है और 15.9 हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है। सो आप बोल सकते हो कि आर टू स्कोर तो कुछ खास बढ़िया नहीं है, बट उसमें हमारे लाइब्रेरी की कोई गलती नहीं है, हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। वो गोल भी नहीं था इस वीडियो का, हमारा गोल था इस पूरे वर्क फ्लो को एक बार समझने का,
और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी रियल वर्ल्ड डेटा सेट को उठाओ और बड़ा डेटा सेट पकड़ो, लाइक 10 GB 50 GB टाइप्स, और उसके ऊपर ये वर्क फ्लो लगा करके आप इस लाइब्रेरी को टेस्ट करो। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था, आई फेल्ट रियली पावरफुल कि मैं कितने भी बड़े डेटा सेट को अपने मशीन पे ट्रेन कर सकता हूँ। एंड दिस इज सच अ ग्रेट थिंग, लाइक इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, आपके रेज्यूमे में अगर ये चीज है कि आप बड़े बड़े डेटा सेट्स को हैंडल कर सकते हो, दैट विल इंस्टिल अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यूअर, तो अच्छा फील होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दैट, इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।